नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूँ बेनजीर हाशमी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ ताजा हेडलाइंस के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के सपा नेता अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान, कहा बीजेपी भ्रष्टाचार का गोदाम बन गई है, एक दो नहीं बल्कि 10 पेपर लीक हुए हैं। चुनाव आयोग ने BRS प्रमुख चंद्रशेखर राव को भेजा नोटिस, कांग्रेस के खिलाफ टिप्पणी का है मामला। यूपी के सहारनपुर में गर्जी प्रियंका गांधी, रोड शो में बोली देश ने सत्ता को नहीं सत्ते को पूजा है और मोदी को सत्य नहीं सत्ता चाहिए। MP यूपी समेत 9 राज्यों में तापमान 41 के पार पहुंचा, गुजरात महाराष्ट्र में हीट वेव का अलर्ट जारी, हिमाचल और उत्तराखंड में कल गिर सकते हैं ओले। राहुल से अखिलेश यादव ने की मुलाकात, राहुल बोले बीजेपी 150 सीटों पर सिमट रही है, तो वहीं अखिलेश यादव बोले भाजपा भ्रष्टाचारियों का गोदाम है। बंगाल के CM ममता बनर्जी ने दिया बड़ा बयान, कहा अगर मोदी इस बार चुनाव में जीते तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। बलूचिस्तान में इमरजेंसी घोषित, तो वहीं दुबई में एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन में भरा पानी। PM मोदी के बयान पर अमेरिका बोला बीच में नहीं पड़ेंगे, भारत पाकिस्तान तनाव से बचे। बता दें PM ने अपने एक बयान में कहा था आज भारत आतंकियों के घर में घुसकर मारता है। दुबई में 4 इंच हुई बारिश से बाढ़ जैसे हुए हालात, एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन मॉल में भरा पानी, तो वहीं ओमान में बाढ़ से 18 लोगों की हुई मौत। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस को लगातार निशाना बना रहे हैं। दरअसल उन्होंने कांग्रेस में टिकट आवंटन को लेकर कहा कि जैसे सब्जी मंडी में सब्जी का भाव लगता है, उसी तरह कांग्रेस में बोलियां लग रही हैं। आपको बता दें कि अंबाला छावनी में भाजपा ने विजय संकल्प यात्रा निकाली थी, वहीं इस दौरान पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कांग्रेस के पास कोई संगठन नहीं है, जैसे सब्जी मंडी में सब्जी का भाव लगता है उसी तरह कांग्रेस में बोलियां लगती हैं। साथ ही कहा जो ज्यादा मोल देगा उसे टिकट मिल जाएगी, इसीलिए कांग्रेस को टिकट देने में देर लग रही है। उन्होंने कहा कि हमारे भाजपा में पन्ना प्रमुख से लेकर वार्ड प्रधान, लोकसभा प्रधान, स्टेट प्रधान पूरा ढांचा बना हुआ है और कांग्रेस का कोई ढांचा ही नहीं है। किसान नेताओं की रिहाई के लिए किसानों ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। दरअसल किसान के रेल रोको आंदोलन के कारण अंबाला लुधियाना रेल खंड बंद है, क्योंकि किसान पंजाब के शंभू स्टेशन के ट्रैक पर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से 36 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। दरअसल आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीति और किसान मजदूर मोर्चा के आह्वान पर आज शंभू बॉर्डर पर किसानों का रेल रोको आंदोलन हुआ और युवा किसान नेता नवदीप सिंह जलवेहड़ा समेत तीनों किसानों की रिहाई के लिए किसानों द्वारा ये आंदोलन किया जा रहा है। किसान नेता सरवण सिंह पंडेर ने कहा कि हम भाजपा के साथ साथ विपक्ष से भी सवाल पूछेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों को रिहा करने से भाग रही है। हरियाणा में आगामी 25 मई को मतदान होना है, लेकिन कांग्रेस के लिए लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित करना आसान नहीं रहा। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गुट पसंद को खारिज करने में शैलजा सुरजेवाला और किरण की तिगड़ी जुट गई है, जबकि भाजपा से कांग्रेस में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह तटस्थ दिखाई दे रहे हैं। वहीं पार्टी में फिलहाल असमंजस की स्थिति दिख रही है। आपको बता दें कि हरियाणा की 9 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित करना कांग्रेस हाईकमान के गले की फांस बन गया है। यही कारण है कि 3 लोकसभा सीट रोहतक, अंबाला और सिरसा को छोड़कर किसी भी लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा रणदीप किरण SR के गुट में सहमति नहीं बन पा रही है। हरियाणा की फरीदाबाद लोकसभा सीट से मैदान में 3 खिलाड़ी उतार दिए गए हैं। BJP के कृष्णपाल गुज्जर और BSP के किशन ठाकुर पहले से ही थे। वहीं मंगलवार को जननायक जनता पार्टी ने नलिन हुड्डा पर दाव लगा दिया है। हालांकि अभी एक और दावेदार कांग्रेस का नाम सामने आना बाकी है। आपको बता दें कि JJP हाईकमान को फरीदाबाद लोकसभा प्रत्याशी के लिए जिला अध्यक्ष नलिन हुड्डा, प्रदेश प्रवक्ता उमेश भाटी, करामत अली और कृष्ण जाखड़ के नाम भेजे गए थे, लेकिन हाईकमान ने मंगलवार को नलिन हुड्डा का नाम पर मोहर लगा दी है।
दरअसल नलिन को दुष्यंत चौटाला का खास माना जाता है। दूसरा कारण यह भी है कि दुष्यंत युवा चेहरे को आगे लाना चाहते हैं, लेकिन राजनीति विशेषक ये भी जोड़ते हैं कि नलिन हुड्डा को जातीय समीकरण से जोड़कर उतारा गया है। फरीदाबाद न्यायालय में वरिष्ठ वकीलों ने मेजर एक्ट में आए बदलाव और अन्य बदलावों को लेकर वकीलों को लेकर कानूनी किताब वितरित की। दरअसल वरिष्ठ अधिवक्ता एलन पराशर ने बताया कि वे 24वीं बार फरीदाबाद जिला न्यायालय में वकीलों को कानून की पुस्तकें बांट रहे हैं। देखिए इस खास खबर में। इसके दो वो हैं, एक तो जैसे कुछ युवा वकील कहते हैं कि जी फला बुक्स नहीं आई है, एक जैसे अभी मेजर एक्ट में क्रिमिनल उसमें अमेंडमेंट हुई है उसकी बांटी है हमने, उसकी हम दो बार पहले बांट चुके, जो रह गए उनने अब दे रहे हैं बाई दी में कोई रह गया। एक है लीगल ड्राफ्टिंग की किताब, इसमें सिविल क्रिमिनल सारे जितने भी हैं विल एफिडेविट 20 वो हैं, इसमें कंज्यूमर उसका प्रोटेक्शन कंज्यूमर का है और बैंकिंग मैरिज एंड मेंटेनेंस मोटर व्हीकल एक्ट ये 20 एक्ट हैं ये, इसमें इसकी सबकी ड्राफ्टिंग है जो ये है। युवा वकीलों का कितना फ़ायदा मिलेगा इन किताबें पढ़ने से? देखो अगर ये किताबें ध्यान से पढ़ें तो इनमें किसी से हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें इतनी वो है। एक वकील को जीवन भर जतवा करता है किताबों की आवश्यकता होती है, और जो आज ये किताब लॉ बुक्स हमारे गुरुजी एलन पराशर जी द्वारा बांटे जा रही हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बुकें हैं जो कि हमारे नई अमेंडमेंट सरकार ने किए हैं, सारे वो मेजर एक्ट्स हैं और लीगल ड्राफ्टिंग है, जिससे कि नए वकीलों को काफ़ी मदद मिलती है। नए नहीं, जो हमारे पुराने वकील भी काफ़ी दिन से वकालत कर रहे हैं, नए मेजर एक्ट अमेंडमेंट आने से उनको भी काफ़ी लाभ मिलेगा। सही मानते हैं कितना फ़ायदा मिला? बेसिकली जो किताबें बांटते हैं वकीलों को, तो इसमें ऐसा नहीं है कि युवा वकील आते हैं, सारे आते हैं जिसको ज़रूरत है किताबों की। तो अभी बिल्कुल लेटेस्ट लॉ आया हमारा BNS करके, भारतीय न्याय संहिता, वो 2024 1 जुलाई से लागू होगा, तो सर ने ये किताबें पहले ही बांट दी हैं, तो इससे काफ़ी बेनिफिशियल होगा सब वकीलों के लिए, क्योंकि 1 जुलाई से यही लॉ चलने वाले हैं हमारे। और एक लीगल ड्राफ्टिंग की बांटी है, उसमें सारे ड्राफ्टिंग है, काफ़ी सारे एक्ट्स हैं, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी लॉयर्स को। अगली खबर हरियाणा के गुहेला चीका से है, जहां भाजपा के उम्मीदवार नवीन जिंदल का कार्यक्रम फ्लॉप शो साबित हुआ। दरअसल अब की बार 400 पार का नारा देने वाले भाजपा के 150 कार्यकर्ता 250 लोगों की भीड़ जुटाने में असफल रहे। अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ऐसे में भाजपा द्वारा जो 400 पार के दावे किए जा रहे हैं, उन दावों पर प्रश्न चिन्ह लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज ग्रामीण इलाकों में किसान हर जगह भाजपा नेताओं का जमकर विरोध कर रहे हैं। चाहे सिरसा की बात हो या हिसार की बात हो या फिर अन्य जगहों से भाजपा नेताओं के विरोध की खबरें आ रही हैं, जिसमें भाजपा नेताओं को ग्रामीण इलाकों में किसानों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। देखिए हमारे संवाददाता कुलभूषण शर्मा की एक खास रिपोर्ट। कितने आदमी थे आपके? अभी थोड़े दिन पहले मेरा जन्मदिन मनाया था मैंने, और उस दिन नवीन जिंदल जी थे, कम से कम 5-6 हज़ार लोग थे, इतनी भीड़ थी हमारे को खुद बैठने को जगह नहीं मिली। कितने हजार लोग थे बताइए? आज तो ये आप अंदाजा लगाइए, आप उनसे पूछिए जो आयोजक से। ये बात मानते हैं कि बीजेपी के 150 कार्यकर्ता और 250 व्यक्ति, इस बात से सहमत आप? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये तो आपको लगता है इतना ज्यादा कम था। हर ग्रुप में शेयर किया जा रहा था, पिछले 15 दिनों से प्रचार प्रसार किया जा रहा था, तो कैसे 400 पार कर पाएगी भाजपा? चलो कई दिनों से लगे हुए थे, कई साथी उन्होंने मेहनत की है, अच्छी मेहनत की है जितने। आप कहाँ थे, क्या आपकी कोई ड्यूटी नहीं लगाई थी कार्यक्रम? नहीं, इसमें ठीक है कुछ साथी मेरे साथ, जिधर मैं जलता हूँ मेरे साथ कुछ 100-150 आदमी तो मेरे साथ आ ही जाते हैं, तो ये अभी भी खड़े हैं। तो ये रेट भी बाहर के उससे ज्यादा हो गए, ये तो आप उनको पूछ, मेरे साथ तो अभी भी खड़े हैं जो प्रोग्राम में आप देख लो। और ये ऐसे में तो सफलता हासिल करनी बहुत मुश्किल है, ये 400 पार वाला आंकड़ा तो विफल हो जाएगा। नहीं ऐसा है, नवीन जिंदल जी बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन वोट तो जनता ने देनी है सर। मंच अब से अब जो प्रोग्राम करने वाले हैं, अब उनके बारे में आप उनसे पूछना। मंच से थोड़ा ये वाक्य में थोड़ा दिक्कत तो आई है इस बात की, ये बात मान आपके भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमेशा गुप्त सूचनाओं से पता लगा के रहता है किस कार्यक्रम के बारे में कौन क्या कह रहा है, और भारतीय जनता पार्टी मेरे को
गुप्त सूचनाओं से पता लगाया कि सबसे देश के अंदर सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाली सीट कुरुक्षेत्र विधान लोकसभा बनेगी। और आज आप लोगों ने देखा ये कार्यक्रम छोटी मंडी के अंदर, वहाँ के सिर्फ छोटी मंडी के दुकानदारों ने एक साझा प्रोग्राम किया था जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रचुर प्रयास करके वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के लिए और लोकसभा प्रत्याशी कुरुक्षेत्र के लिए नायब सैनी के लिए वोट मांगी हैं। आप अगर ये कहना चाहो किसी के कहने से कि वहाँ पर आदमी कम आए या किसने कम किए, ये बड़ी बात नहीं है। ये क्या कहें, देखिए कलवंत बाजीगर जी। तो ये थी देश विदेश की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।